गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा आपकी आज ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल्स वे अग्र शब्द होते हैं जिन्हें हम अपने इंग्लिश ग्रामर में और वाक्यों को लिखते समय यूज़ करते हैं। आर्टिकल शुरू करने के पहले हम वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो वॉवेल्स में वे अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं। वॉवेल्स यानी स्वर, जैसे हिंदी में आ आ, ई ई, ऊ ऊ आदि स्वर होते हैं, उसी प्रकार से हमारी अंग्रेजी भाषा में भी पांच वॉवेल्स हैं या पांच स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक इसी प्रकार हर भाषा में व्यंजन भी होते हैं, उन व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इन पांच स्वरों को छोड़ के बाकी के जो शेष अक्षर या अल्फाबेट्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं चलिए देखते हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, अर्थात ये जो हैं ये सारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं का हमको ध्यान आगे आर्टिकल के यूज करते में रखना है। तो चलिए, ए, एन और द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं और ये साधारणतः बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण, लेकिन इनको साधारण में हम इनको आर्टिकल्स कहते हैं। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित अग्र शब्द, इसके अंतर्गत आते हैं ए और एन। दूसरा है हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स यानी निश्चित अग्र शब्द जैसे द। अब बच्चों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अनिश्चित और निश्चित क्यों लगाया है हमने। तो अनिश्चित शब्द हम आर्टिकल्स वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर हम उस शब्द को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये, जैसे हमने बोला ए बॉय, तो अ बॉय का मतलब ये नहीं है कि कौन सा लड़का, वो कोई डिफाइन नहीं है। तो जहाँ पर वो शब्द डिफाइन नहीं होते वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार जो डिफाइनेट आर्टिकल्स है यानी निश्चित अग्र शब्द है द, उसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमको वो शब्द के बारे में डिफाइन हो जाता है या सूचित हो जाता है। चलिए अब हम ए के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप मेरे साथ नोटबुक लेके बैठिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप अच्छे से नोट कर सकें, इन नियमों को लिख सकें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको अच्छे से याद कर सकें। तो ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व होता है, उन संज्ञा शब्दों के पूर्व होता है जो कॉन्सोनेंट या व्यंजन से शुरू होते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कॉन्सोनेंट क्या कहलाएंगे, हमारे जो बी सी डी एफ एच इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत उदाहरण क्या आ जाएगा, अ टेबल, क्योंकि टेबल में टी जो है वो व्यंजन है। अ चेयर, यहाँ पर भी सी जो है वो व्यंजन है। अ मैन, एम क्या है, व्यंजन है। अ बॉय, बी क्या है, व्यंजन है। अ गर्ल, जी क्या है, व्यंजन है। तो पहला बिल्कुल सरल नियम है कि उनके पूर्व ए का प्रयोग होता है जो व्यंजन से शुरू होते हैं। दूसरा नियम क्या है, बिल्कुल इसी प्रकार से है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आप, मुझे आशा है आप जल्दी से समझ लेंगे। उन शब्दों के पूर्व जो वॉवेल से शुरू होते हैं, वॉवेल यानी पांच, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे शुरू हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम ने तो कहा था कि जो व्यंजन से शुरू होते हैं उनके आगे ए लगाया जाता है, अब मैडम कह रही हैं कि जो वॉवेल से शुरू हैं उनके आगे ए लगाइए। हाँ, तो उसका नियम क्या है कि जो वॉवेल से शुरू हैं किंतु उसका उच्चारण जो हम करते हैं, जो प्रोनंसिएशन करते हैं, वो कैसे करते हैं, व्यंजन जैसे होता है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, बेटा हम यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर वाई या का प्रोनंसिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वर होते हुए भी हम ए लगा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अ यूरोपियन, यहाँ पर ई यू दोनों वॉवेल हैं लेकिन दोनों मिलके हमको काई की ध्वनि दे रहे हैं, या की वाई की ध्वनि दे रहे हैं, इसलिए अ यूरोपियन।
अ यूजफुल, यहाँ पर भी अगेन वाई की ध्वनि आ रही है। अ यूनिट, अगेन वाई की ध्वनि आ रही है। अ वन रुपीज नोट, अ वन रुपी नोट है ओ से शुरू हो रहा है, हम ओन रुपी नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, वन रुपी, यानी डब्ल्यू या वी की ध्वनि दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो ध्वनि है वो व्यंजन जैसी है भले ही वो स्वर से शुरू हो। तो इस प्रकार हमने ए का प्रयोग सीखा कि जो शब्द व्यंजन से शुरू हो या फिर वो शब्द जो स्वर से शुरू हो लेकिन हमें व्यंजन की ध्वनि देते हैं। चलिए आगे देखते हैं एन का प्रयोग। अब एन का प्रयोग बिल्कुल सरल है, अगर हम ए के प्रयोग को जस्ट उल्टा कर दें तो एन का प्रयोग आ जाता है। कैसे, पहला नियम देखते हैं, किसी स्वर या वॉवल ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाली एक वचन संज्ञा के पहले एन आता है। जब भी कोई एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है और वो ए ई आई ओ यू से शुरू होती है, उसके पहले हम एन आर्टिकल लगाते हैं। जैसे एन एग, एन एलिफेंट, एन एनिमल, इन सब में जो शुरू हो रहे हैं अक्षर वो वॉवल से शुरू हो रहे हैं। दूसरा बिल्कुल ए के प्रयोग के जस्ट अपोजिट हो गया ये भी, कि जब शब्द व्यंजन से शुरू हो रहे हैं परंतु उनका उच्चारण स्वर जैसे हो रहा। अभी मैंने आपको पहले पूर्व में क्या बताया था, वॉवल से शुरू हो और उच्चारण व्यंजन से जैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो गया एन में, मतलब कि शब्द व्यंजन से शुरू हो रहे हैं लेकिन उनका उच्चारण किसके जैसे हमें सुनाई दे रहा है, कैसा प्रोनंसिएशन हो रहा है, हमें स्वर जैसे हो रहा। एग्जाम्पल देखते हैं, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एम ओ, एन एम एल ए, एन एन सी सी, एन एन एस एस। तो इस प्रकार से जो शब्द हम ले रहे हैं एन आवर, हम एन हावर नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एन आवर। यहाँ पर एच क्या हो गया है, साइलेंट हो गया है। इसी प्रकार एन ऑनेस्ट, तो हम यहाँ पर एच नहीं बोल रहे, हम हॉनेस्ट नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए, हम यहाँ हॉनेस्ट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं एन ऑनेस्ट, यहाँ पर एच साइलेंट है। अब बच्चों यहाँ एन एम एल ए में हम अगर देखें तो एम माँ का है, व्यंजन है ये, लेकिन इसकी जब हम शुरू बोलते प्रोनंसिएशन करते हैं तो एम एल ए, तो ए शब्द जो है वो स्वर के जैसे सुनाई देता है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। बच्चों जब आप आर्टिकल्स के नियमों को समझते हैं तो आपको बहुत सरल लगते हैं, लगता है ये बहुत बढ़िया हम कर लेंगे, और निश्चित ही है कि आपको समझ भी बहुत अच्छे आसानी से आ गए होंगे। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या हम कभी कुछ इस प्रकार की ग्रामर की एक्सरसाइज हल करते हैं, उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन का प्रयोग करना है। तो मैं आज पीएमटी यानी परोहा मैडम ट्रिक से आपको बताऊंगी, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये जो ट्रिक है इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, बस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है कि ए और एन का प्रयोग हम कैसे ट्रिक के माध्यम से समझें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मुझे ए सी से एन वी है, यहाँ ध्यान से देखिए, मुझे ए सी से एन वी है। ए किससे कनेक्टेड है, सी, अर्थात ए का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर किससे शुरू होगा, वो कॉन्सोनेंट या व्यंजन से शुरू होगा या वो व्यंजन की ध्वनि देगा। तो ए का प्रयोग आप इससे बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार एन वी, एन वी, वी माने वॉवल, वॉवल माने स्वर। तो एन का प्रयोग हमें कहाँ करना है, जहाँ वो स्वर से शुरू हो या स्वर की तरह ध्वनि दे। तो मुझे आशा है इस ट्रिक से आप सभी को ए और एन का प्रयोग बहुत